कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव से दूर रहेगा गांधी परिवार, कल अमेरिका जा रहे हैं राहुल गांधी। सोनिया गांधी भी 5 को अमेरिका होंगी रवाना, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में गांधी परिवार का नहीं होगा दखल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहले ही हैं विदेशी दौरे पर, कांग्रेस के आला नेताओं के दम पर नए अध्यक्ष का चुनाव। सबसे वरिष्ठ महासचिव को मिल सकती है कांग्रेस की कमान, कांग्रेस पार्टी के संविधान में इसका प्रावधान। मुकुल वासनिक हैं कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ महासचिव, महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता हैं वासनिक। राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद जताई उम्मीद, कहा पार्टी लेगी सही फैसला, नया समूह चुनेगा नया अध्यक्ष। इस्तीफे के बाद बीजेपी आरएसएस पर राहुल का प्रहार, लोगों की आवाज को दबा रही है बीजेपी। आरएसएस पर राहुल का बड़ा आरोप, पत्र में लिखा देश के हर संस्थान पर संघ का कब्जा। राहुल ने ट्विटर पर बदला प्रोफाइल, खुद को अध्यक्ष के बजाय सदस्य लिखा। राहुल गांधी के इस्तीफे पर कांग्रेस में मायूसी, अशोक गहलोत ने जताया अफसोस, कहा राहुल की नीति और नियत पार्टी और देश हित में। अहमद पटेल ने राहुल के इस्तीफे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा उन्होंने कम वक्त में अपनी काबिलियत से पार्टी को बनाया मजबूत। फारूक अब्दुल्ला ने अपने फैसले पर अटल रहने के लिए राहुल की सराहना की, कहा युवा राहुल के पास दोबारा अध्यक्ष बनने के कई मौके। सचिन पायलट ने की इस्तीफा वापस लेने की अपील, बोले कांग्रेस को है राहुल की जरूरत। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद यूपी कांग्रेस में विद्रोह, प्रदेश प्रवक्ता जीशान अली ने गुलाम नबी आजाद से मांगा इस्तीफा, कहा एसी में बैठकर पार्टी का किया बेड़ा गर्क। राहुल के इस्तीफे पर स्मृति ईरानी का तंज, प्रतिक्रिया में कहा जय श्री राम। गुजरात में राज्यसभा की 2 सीटों पर कल चुनाव, कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर, विधायकों को भेजा बनासकांठा के पालनपुर। सभी 71 कांग्रेसी विधायक पहुंचे बनासकांठा के रिजॉर्ट में, अमित शाह और स्मृति ईरानी की लोकसभा जीत से खाली हुई है सीट। बीजेपी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और जुगलजी ठाकुर को उतारा मैदान में, गौरव पांड्या और सी चुड़ासमा होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार। कांग्रेस ने डर को छुपाने के लिए दिया चिंतन शिविर का नाम, 2 दिनों तक रिजॉर्ट में, विधायक करेंगे पार्टी की हालत पर चिंतन। आरएसएस मानहानि केस में राहुल गांधी की मुंबई की अदालत में आज पेशी, गौरी लंकेश की हत्या में आरएसएस का लिया था नाम। बंगाल के मदरसों में आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन, बांग्लादेश के घुसपैठ का मामला सामने आया, आमने सामने केंद्र और ममता सरकार। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पर बंगाल के मंत्री गैसुद्दीन मौला का बयान, नहीं मिली कोई चिट्ठी। केंद्र पर बंगाल की गलत तस्वीर पेश करने का आरोप, बीजेपी बोली आतंक पर राजनीति ना करे ममता। बीजेपी का ममता सरकार पर आरोप, बाहरी ताकतों की बंगाल में घुसपैठ रोकने को बताया नाम का। केंद्र ने पश्चिम बंगाल का नाम बांग्ला करने का प्रस्ताव ठुकराया, संवैधानिक संशोधन की बताई जरूरत। देशद्रोह कानून पर राज्यसभा में गृहमंत्री का बयान, नहीं खत्म होगा कानून। आतंकवादी तत्वों से निपटने के लिए देशद्रोह कानून पर अमित शाह का जोर, कहा हटाने को कोई प्रस्ताव नहीं। पंजाब में नार्को आतंकवाद पर राज्यसभा में नोटिस, कांग्रेस ने कहा आरोपी अफसरों के खिलाफ एक्शन लेके। यूपी में भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई करेगी योगी सरकार, विभागों से मांगी गई सूची। प्रियंका का यूपी में कानून व्यवस्था पर ट्वीट, लिखा चरम पर अपराधियों के कारनामे। दिल्ली में हौसगाजी इलाके में मंदिर में तोड़फोड़ केस में पुलिस कमिश्नर तलब, अमित शाह ने की बात। हौसगाजी इलाके में 2 दिन बाद खुले बाजार, मंदिर में हुई पूजा पाठ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रंगनाथ पांडे की मोदी को चिट्ठी, जजों की नियुक्ति पर उठाए गंभीर सवाल। चिट्ठी में रंगनाथ पांडे ने लिखा जाति परिवार के आधार पर होती है नियुक्तियां। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार का आदेश, सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे डिप्टी कलेक्टर समेत कई सीनियर अधिकारी। बजट से पहले मोदी सरकार का पहला आर्थिक सर्वे आज, मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रमण्यम सदन में पेश करेंगे सर्वे। बिहार विधानसभा में पेश हुआ कृषि बजट, बजट से पहले सभी विधायकों को आम की टोकरी भेंट की गई। आम के तोहफे को राबड़ी देवी ने चमकी से मौत से जोड़ा, कहा जो विधायक आम खाएगा उसे लगेगी हाय।
दिल्ली में मनोज तिवारी के घर पर आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, केजरीवाल सरकार पर स्कूल घोटाले का आरोप लगाने से भड़के। बिहार के हाजीपुर में नक्सलियों पर नकेल, ईडी ने सीज की करोड़ों की नक्सली संपत्ति। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बांध टूटने से आई तबाही, डूबने से 10 लोगों की मौत, 14 अभी भी लापता। क्षमता से ज्यादा पानी भरने से टूटा बांध, एक गांव के 12 मकानों पर उमड़ा मौत का सैलाब। ऋषिकेश में हाईवे पर भरभरा कर गिरा पहाड़, सड़क के दोनों ओर 8 घंटे तक लगा रहा जाम। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुल पर उफनाती नदी को पार करने के चक्कर में बहा बाइक सवार, लोगों ने बचाई जान। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में उफनाते नाले में फंसी कार, लोगों ने ट्रक से बांधकर बहने से बचाया। मध्य प्रदेश के दमोह में भारी बारिश से नदी नालों में उफान, पुल डूबने से 20 गांवों का शहर से संपर्क कटा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में तूफानी बारिश ने ढाया कहर, कई जगहों पर पेड़ उखड़ने से रास्ते बंद। हिमाचल प्रदेश में आया मानसून, 6 और 7 जुलाई को कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र के वासी में भारी बारिश से आए सैलाब, पुल पर बहते पानी में 4 बच्चे बहे, 2 की मौत। उज्जैन में अवैध जमीन पर बना आलिशान होटल, 2 मिनट में जमींदोज, अदालत के आदेश पर प्रशासन ने कंट्रोल धमाके से उड़ाई इमारत। दिल्ली पुलिस के हत्या चढ़ा शातिर, बाइक चोर एक ही जगह की पार्किंग से उड़ा था दोपहिया। दिल्ली में दिनदहाड़े दुकान में घुसकर एक शख्स को मारी गोली, सीसीटीवी की तस्वीरों में बदमाश की टो में पुलिस। दिल्ली में 2 की लड़ाई में तीसरे की गई जान, बीच बचाव करने गए शख्स को मारा चाकू, अस्पताल में मौत। दिल्ली में एक शख्स ने थाने में आत्महत्या की कोशिश की, पुलिस के दादागिरी से परेशान था शख्स, मामले की जांच शुरू। लखनऊ में सड़क हादसे में 2 बच्चियों की दर्दनाक मौत, सड़क पर खड़ा रोड रोलर के चपेट में आई बच्चियां, लापरवाही की जांच शुरू। सोनीपत में कार सवार की दर्दनाक मौत, चलती कार में लगी आग से झुलसा शख्स, आग के कारणों का पता नहीं। पटना के दानापुर में एक कमरे से मिली युवक युवती की लाश, 3 दिन से बंद था कमरा, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। यूपी के आजमगढ़ में एक शख्स की लाश मिलने से हड़कंप, पुलिस को तंत्र मंत्र का शक। सीहोर के सरकारी स्कूल में बच्चों से मजदूरी कराने की तस्वीर आई सामने, रोज स्कूल की साफ सफाई करते हैं बच्चे। अलीगढ़ पुलिस के हत्थे चढ़ा 2 शातिर चोर, चोरी की 4 गाड़ियां बरामद। यूपी के महोबा में नाबालिग से रेप, पड़ोसी ने बहला फुसलाकर बनाया हवस का शिकार, मामला दर्ज होने पर आरोपी फरार। लखनऊ में दबंगों की दादागिरी, सीसीटीवी में कैद, फोकट में खाना नहीं देने पर दुकानदार की धुनाई की तस्वीर हुई वायरल। यूपी के बुलंदशहर में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या, बेटे ने खोली पोल, आरोपी पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार। मोतिहारी के गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन की गुंडई की खुली पोल, छात्राओं से झाड़ू पोछा बर्तन साफ कराने का मामला आया सामने, वार्डन फरार। ग्रेटर नोएडा में कैब लूटने वाले गिरोह को पुलिस ने दबोचा, ये गिरोह पहले कैब बुक करता, फिर ड्राइवर को बंधक बनाकर कार लेकर अपो चक्कर हो जाता। रथ यात्रा के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में मंगला आरती की, सुबह 4 बजे की भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की आरती। उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा की महाधूम, दुनिया भर से लाखों की तादाद में भगवान जगन्नाथ और सुभद्रा के दर्शन को पहुंचे श्रद्धालु। रथ यात्रा पर पुरी में समंदर के साहिल पर भी नजर आया भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, सुदर्शन पटनायक ने बनाया अद्भुत कृति। वंदे भारत एक्सप्रेस की नई रैक का हुआ ट्रायल, नई दिल्ली से कानपुर का सफर 4 घंटे में होगी पूरी। हिमाचल प्रदेश में गुप्त नवरात्र धूमधाम से शुरू, गुप्त नवरात्र में तंत्र मंत्र पूजा का महत्व। कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर यूपी के सीएम ने अफसरों को दिए खास निर्देश, कहा कुंभ के सफल आयोजन से लें सीख। हरिद्वार में सावन से पहले कांवड़ियों के स्वागत की तैयारी शुरू, यूपी की तरह उत्तराखंड सरकार भी फूल बरसाकर करेगी शिव भक्तों का स्वागत। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस का अनोखा प्रयोग, अब सड़क पर लाल हरी पीली बत्ती की पट्टियों से होगा ट्रैफिक कंट्रोल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन, नए पदों पर भर्ती की सूचना जारी करने की मांग। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक लड़की को
लिव इन में रहना पड़ा महंगा। प्रेमी के घर वालों ने काटे बाल, जमकर की बसलू की। न्यूजीलैंड को हराकर इंग्लैंड के सेमीफाइनल में एंट्री। 119 रनों के विशाल अंतर से कीवियों को दी मात। मेजबान ने दिया था 306 का लक्ष्य। इंग्लैंड की जीत के हीरो रहे जॉनी बेयरस्टो, लगातार दूसरे मैच में लड़ा शतक। जेसन रॉय ने बनाए 60 रन। इंग्लैंड की जीत के बाद अंतिम चार के लिए पाकिस्तान की राह और मुश्किल। बांग्लादेश को बड़े अंतर से हराने का नामुमकिन सा लक्ष्य। क्रिकेटर संजय मांजरेकर पर भड़के रविंद्र जडेजा, ट्वीट करके कहा दूसरे खिलाड़ियों का सम्मान करना सीखे मांजरेकर। अंबाती रायडू के इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, बार बार सेलेक्टर्स के नजरअंदाज करने से थे मायूस। विंबलडन के दूसरे दौर में पहुंचे 8 बार के विजेता रॉजर फेडरर, 4 सेटों में लॉयड हैरिस को हराया। तीसरी वरीयता प्राप्त नडाल भी दूसरे राउंड में सीधे सेटों में जापान के सुगेता को दी मात। विंबलडन के पहले दौर में बड़ा उलटफेर, सेफ क्वेरी ने 5वीं वरीयता प्राप्त डेमिनिक थीम को किया बाहर। कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा मेजबान ब्राजील, अंतिम चार में अर्जेंटीना को 2-0 से हराया। नमामि गंगे परियोजना, सीएम योगी ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र शेखावत के साथ की बैठक, प्रोजेक्ट पूरा करने पर हुई चर्चा। नमामि गंगे परियोजना में सीएम योगी ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र शेखावत के साथ की बैठक, प्रोजेक्ट पूरा करने पर हुई चर्चा। नरेंद्र को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी, एयरलाइंस को रोजाना 15 करोड़ रुपए का नुकसान। घटती बिक्री को बढ़ाने के लिए पतंजलि लेकर आई ऑफर, कुछ उत्पादों पर 50% छूट, एक के साथ एक फ्री जैसे ऑफर। दिल्ली में ऑटो रिक्शा को पूरी तरह हटाएंगे ई रिक्शा, केंद्र सरकार ने तैयार किया प्लान। रेनो के साथ सीटर कार ट्राइबर 22 अगस्त को होगी लॉन्च, कीमत 4,40,000 रुपए के करीब। एक सामाजिक समारोह में नजर आए गौरी खान, निस्वार्थ जनसेवा के लिए 25 लोगों का किया सम्मान। हनी सिंह को पंजाब महिला आयोग का नोटिस, नए गाने में महिलाओं पर विवादित बोल लिखने पर मांगा जवाब। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मिताली राज पर बने के बायोपिक, तापसी पन्नू निभाएंगे किरदार। तेल अवीव में हजारों इथोपियाई मूल के लोगों का प्रदर्शन, पुलिस की गोली से एक इथोपियाई नागरिक की मौत पर भड़का गुस्सा। चिली के सैंटियागो में पुलिस पब्लिक की जोरदार भिड़ंत, सरकार की फंडिंग के खिलाफ सड़कों पर उतरे टीचर। साइबेरिया में बाढ़ से भारी तबाही, हजारों लोग बेघर, छत की तलाश में मारे मारे फिर रहे लोग। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।